Hello everyone, this is me Smriti and you are watching me on Imagine Tuts. So again, we were discussing about the synthesis of pyridine, how we can convert the pyridine into substituted pyridine. So again, we are with the new lesson, which is Gureschi synthesis of pyridine. Of course, we have already discussed the one synthesis, that is Hund synthesis 5 plus 1. Gureschi synthesis is also known as 3 plus 3 synthesis. So, Hund's synthesis में जैसा हमने देखा कि जो पहला step था वो aldol mechanism से, next step Michael Addison से होके गया था, जबकि Gureschi का जो भी पहला step होता है, वो भी aldol से ही जाता है. उससे बड़ा जो change आपने देख, अभी आप change देखेंगे, वो सिर्फ इसकी जो पहला स्टेप है, या आप ये बोल सकते हैं कि रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर है, या रिएजेंट में अटैच साइनो ग्रुप है, इसकी वजह से ही जो चेंज आएगा वो आपको देखने मिलेगा. तो आप देख सकते हैं, सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी डाइकार्बोनिल ग्रुप लेके रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक साइनोअमाइड ग्रुप लिया है, साइनो प्लस एनएच टू साइनोअमाइड ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, राइट. सो साइनोअमाइड ग्रुप मैंने लेके रखा है. अब साइनोअमाइड ग्रुप होने की वजह से आप जानते हैं साइनोजन इज ईडब्ल्यूजी ग्रुप, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये डायरेक्टली इस बार कार्बोनिल पे अटैक नहीं करेगा. सो पहले तो मैं आपको बता दूं, डाइकार्बोनिल ग्रुप जब किसी बीटा कीटो ग्रुप, डाइकीटो ग्रुप किसी साइनोअमाइड से इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है तो आपको इंटरमीडिएट बीटा साइनोअमाइड मिलता है, एंड फाइनली इसका इंटर कन्वर्जन होके या कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म से आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने मिलता है. सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म फॉर ग्रेस्की सिंथेसिस. सो सपोज आई हैव, फर्स्ट आई टेक द रिएजेंट. मैंने यहाँ पे रिएजेंट लिया, रिएजेंट के साथ मीडियम में बहुत अच्छा बेस प्रेजेंट है ही. सो फर्स्ट दिस बेस विल कम एंड दिस बेस विल नॉट गो टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन. नाउ दिस टाइम दिस बेस विल अटैक और विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम. व्हाई? बिकॉज इसको एच प्लस को खींचने की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि पास में ही ईडब्ल्यूजी ग्रुप लगा हुआ है. So once the base abstract the proton, it converted into carbon ion. This carbon ion directly, अब ये जो carbon ion, once this carbon ion will form हो जाएगा, so it will seek to the diketo group, or you can say the reactant. So ये carbon ion diketo group means a reactant पे आके attack करेगा. So second step में मैंने देखा है कि carbon ion जो है वो carbonyl पे आके attack करता है. कार्बन आयन का कार्बोनिल पे अटैक करना, या किसी न्यूक्लियोफाइल का कार्बन आयन पे अटैक करना, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. सो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, सो वी गॉट द वन न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड दीज टू डिफरेंट कंटेनिंग एलिफेटिक चेन कन्वर्टेड इन टू वन हाफ साइकिल रिंग. आप देख सकते हैं हाफ साइकिल रिंग में कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज ऑक्सीजन अपने चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टक हो जाएगा. नाउ दिस ऑक्सीजन फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द एच प्लस आयन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्टेड दिस ऑक्सीजन आयन इनटू ओएच फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर का एलिमिनेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नया आपको पाई बॉन्ड देखने मिलेगा. At the same time, this nitrogen acts as a nucleophile and it will attack to this carbonyl carbon. जैसे ही carbonyl carbon पे attack करेगा, so यहाँ से एक ये H और साथ में ये वाला H इस तरीके से water के form में निकल जाएंगे और आपको यहाँ पे एक नया pi bond देखने मिलेगा. So ये structure और ये structure बिल्कुल same है. So this is all about the Gureschi 3 plus 3 synthesis. Thank you for watching this video.